करती हूँ। आज का न्यूज़ देखने के लिए माँ आनंदी न्यूज के साथ आप जुड़े रहिए। मैं शैलजा मिश्रा, आज का न्यूज़ देखते हैं। संडीला से संवाददाता अनुराग द्विवेदी की रिपोर्ट। किसानों पर महंगी बिजली, खाद, रसायन की मार के बाद अब डीजल की एक और मार पड़ी है। देश के इतिहास में पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल से ऊपर है। 2014 में महंगाई का मुद्दा बनाने वाली भाजपा आज चुप है। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये कौन सी जगह है जानना चाहेंगे? संडीला तहसील परिषद के अंदर बैठे हैं, जनपद संडीला तहसील। अच्छा, किस लिए बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि लगातार किसानों के ऊपर जी, चाहे दैविक आपदा रहे जी, चाहे सरकार द्वारा आपदा डाली जा रही हो जी, आप ऐसे देख लीजिए, अक्टूबर 2019 से लेके आज तक जी ओलावृष्टि लगातार हुई है, बिन मौसम बरसात हुई है जी, जिसके कारण किसान की कोई भी फसल, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो सरसों की हो जी, चाहे वो आम की फसल, सारी फसलों का नुकसान हुआ है। किसी तरीके से कोई फसल बच भी गई है तो आवारा पशुओं के चलते किसान अगर एक घंटे दो घंटे के लिए भी अपने घर वापस आ गया तो सारी फसल जो है आवारा पशुओं द्वारा पूरा का पूरा खेत साफ हो गया। ठीक है, अभी धान रोपाई का समय आया है जी। जब धान रोपाई का समय आया है, किसी भी नहर में सरकार द्वारा बड़े बड़े बातें बोली जाती हैं कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देगी जी। तो किसानों की आय आप कैसे दुगनी कर दोगे? आपने बोला कि हम सिंचाई फ्री दे रहे हैं, सिंचाई आप बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, लेकिन सिंचाई तो तब फ्री दे रहे हैं ना जब किसान के किसी भी खेत में पानी की एक बूंद जा रही हो। 40 साल से मंदिर बनाए ग्राम समाज पर मौनी बाबा द्वारा तैयार किए गए फल वृक्ष व गोवंशों की सेवा कर रहे हैं। संतोष दास को राजक तत्वों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। क्या दबाव बनाया जा रहा है? भगानी कोशिश में है, पेड़ छीनना चाहते हैं, मंदिर गिरवाना चाहते हैं। प्रधान जब छुट्टी है वहाँ की, 40 साल में प्रधान की ताकत। तो आप मंदिर पर रहते होंगे जी? मंदिर पे और 15-20 जानवर, मतलब लोगों की सेवा कर रहा हूँ। गाय जो है उनको पसंद नहीं आ रहा, बछड़े बछड़े जो भी है ना उनको, उनकी सेवा करते हैं। कार्यालय जैसा लग रहा है, अगल बगल के गाँव से लोग इनको भोजन लेके जाते हैं। मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा उस जगह पे। मतलब मैं गया था, हमारी मेहनत को जरा आपको हर फल मिलेगा। आएंगे आएंगे, पूरी का फल लेंगे। ठीक है ना यार, तो आपने आने का वादा कर दिए थे और अभी तक पूरा तक आप पहुँचे नहीं, तो हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे। और यहाँ 10 बजे बैठे हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अब तक आपको कोई सूचना नहीं हुई। इसके मामले में आप लोगों को क्या बताएं? कोई कोशिश नहीं करोगे तो किसानों का अनाज कैसे हजम हो पाएगा?